हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल बी एन एम कीर्ति ब्लॉग्स ब्लॉग्स पर। पर। और इतना दिन से हम लोग कोई ब्लॉगिंग नहीं कर रहे हैं, तो उसका भी एक रीज़न है। जैसे कि आप पहले वाला वीडियो में देख चुके थे कि मेरे घर से सब कोई आए थे, मम्मी पापा सब कोई, तो मामी मौसी नानी सब। तो यहाँ से रिटर्न होने के बाद 2-3 दिन बाद एक हादसा हो गया, जो कि मतलब पापा का पैर डैमेज हो गया, डैमेज नहीं बोले तो पैर टूट ज़्यादा गया, ही। पैर टूट टूट गया है घुटना से ऊपर में, हाँ, हड्डी टूट गया है, तो इसलिए हाँ तो हम लोग वीडियो नहीं बना पा रहे हैं कि अभी हॉस्पिटल में हैं, क्योंकि हम कुछ दिन हॉस्पिटल में थे, 1 सप्ताह से हम हॉस्पिटल में थे, तो आज घर आए हुए हैं तो वीडियो बना रहे हैं। सिचुएशन भी इस तरह था कि हम लोग वीडियो बनाने का सोच भी नहीं सकते थे। आप लोग भी सोच सकते हैं कि ऐसा हालत में वीडियो शूट करें या फिर स्थिति को स्थिति को संभालें। संभालें, तो इसलिए बहुत ही मतलब कि प्रॉब्लम था। तो इसलिए ये तो गए हुए थे, हॉस्पिटल में ही थे, और हम तो एक दिन गए थे और पापा को देख के आए हुए हैं। ये प्रॉब्लम वगैरह सॉल्व हो जाएगा, उसके बाद हम लोग कोशिश करेंगे रेगुलरली वीडियो डालने का। तो फिलहाल हम लोग को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है अभी, क्योंकि अभी हॉस्पिटल में अपना साला को छोड़ के आए हुए हैं, वो अकेले हैं और एक साला है साथ में, तो वो लोग अभी ज़्यादा उतना जानकारी नहीं है उन लोग का, तो तो हम संभाल रहे हैं वही दोनों, तो इनको फिर से जाना पड़ेगा। जो मैंने होता है कि जिससे मैंने ज़्यादा प्रॉब्लम था उससे हम लोग निकल गए हैं, तो अभी हल्का प्रॉब्लम है तो इतना वो लोग संभाल लेगा, तो इसलिए हम घर वापस आ गए हैं, तो फिर कुछ दिन रुक के फिर हॉस्पिटल निकल जाएंगे। जब तक पापा को डिस्चार्ज नहीं मिलता है तब तक तो हॉस्पिटल में ही रुकेंगे, और अगर डिस्चार्ज मिलने के बाद पापा को हॉस्पिटल से घर पहुंचा देंगे तभी फिर ये आएंगे। तो यही सब कारण था जो कि बहुत ही मतलब प्रॉब्लम चल रहा है अभी, क्योंकि आदमी का भी बहुत सारा नज़र लग गया है, क्योंकि मेरा हिम्मत जो होता था वो मेरे ससुर जी है, हमको मेरा ससुर जी हिम्मत मिलता था, लेकिन इस तरह अभी सिचुएशन चल रहा है कि मेरा ससुर को हिम्मत हमको देना पड़ रहा है, क्योंकि वो भी अभी बीमार है, तो मैंने बीमार क्या बोले थे, एकदम उसका पेट टूट गया, तो वो भी अब बहुत सारा मैंने टेंशन में आ गए हैं कि क्या करें क्या ना करें, तो हिम्मत हम दे रहे हैं थोड़ा बहुत। क्योंकि आप लोग तो जानते ही हैं कि हम लोग अधिकतर अपना घर में ही रहते थे, और हम लोग का जो भी हो जैसा भी हो सारा चीज़ मेरे पापा ही देखते थे, और हर सुख दुख में हमेशा हम लोग के साथ खड़े रहते हैं, चाहे जैसा भी सिचुएशन हो। एक बोला जाता है ना, एक बेटी के लिए पापा कितना ज़रूरी हैं, तो अभी पापा ही थोड़ा मुसीबत में है, ज़्यादा तो नहीं बोलेंगे, फिर भी कुछ दिन तो रेस्ट करना पड़ेगा, अभी बोले तो तो कम से कम 3-4 महीना रेस्ट करना रेस्ट पड़ेगा। करना पड़ेगा, उसके बाद ही हल्का फुल्का मैंने सही से चल पाएंगे, हो सकता है, उतना भी कंफर्म नहीं बता सकते हैं, हो सकता है साल भी लग सकता है, क्योंकि पैर बहुत ज़्यादा ही टूट गए हैं। तो इसलिए वैसे सारा चीज हो चुका है, लेकिन फिर भी अभी टाइम लगेगा। पैर को ठीक होने में तो इसलिए बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया है, और ये भी तो हॉस्पिटल में, और मेरा भी थोड़ा तबीयत ठीक नहीं था। तो इसी वजह से हमको आना पड़ा है, तो इनको भी डॉक्टर से दिखा लिए हैं, तो कुछ दिन रेस्ट हम भी यहाँ रुकेंगे, रेस्ट करेंगे, उसके बाद फिर हॉस्पिटल निकल जाएंगे। तो आप लोग समझ सकते हैं कि हम लोग किस सिचुएशन से गुजर रहे हैं, और दुआ करते हैं कि ऐसा सिचुएशन किसी का ना हो। तो फ्रेंड्स, आप लोग दुआ करें कि मेरे पापा जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए, क्योंकि हम लोग के लिए तो वही, हम लोग की हिम्मत ताकत सब कुछ वही है, मेरे पापा ही हमारे लिए सब कुछ हैं, मेरे पापा से ही हम लोग का पूरा घर परिवार है, और पापा ही हम लोग के लिए और एक अभी थोड़ा भगवान हमको नींद जैसे भी आ हैं। रहा है, क्योंकि 1 सप्ताह से सही से सो नहीं पाए हैं, आंख वगैरह झपक रहा है, लेकिन इधर जिस मैनेज काम के करना लिए पड़ता हैं, जिस है, काम के लिए आए हैं वो काम करके ही अब निकलेंगे। तो हम लोग पूरे मतलब कि हो गया 8-10 दिन से ऊपर जा रहा है, तो तब से हम लोग परेशान परेशान हैं, दौड़ दौड़ के। तो इस वजह से हम लोग वीडियो भी एकदम बना नहीं पा रहे थे, वीडियो वैसे बना लेते लेकिन सिचुएशन बहुत ज़्यादा ही ख़राब था। ऐसा में कोई भी क्या करे, वीडियो बनाए या जो प्रॉब्लम है उससे लड़े, ऐसा में वीडियो बनाने का भी मन नहीं करता है। तो चलिए हम लोग आशा करते हैं मेरे ससुर जी
जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। उसके बाद हम लोग फिर से वीडियो पे आ जाएंगे, जल्दी जल्दी अपलोड करेंगे वीडियो। आप लोग दुआ करें मेरे पापा ठीक हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं और मिलेंगे अगले वीडियो पर। तब तक के लिए सभी को बाय।